आपने कोई ब्लॉक में तो नहीं देखा इनको, कहीं देखा हो? आप देखते नहीं है, आप कुछ और ही चीजें देखते हैं। ये आपकी तरह इसी महाविद्यालय में पढ़े हैं, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, दो दफा इंटरवर्सिटी खेले हैं, और हमारे हिमाचल एज वेल एज इंडिया का प्राइड है, ही इज अ एवरेस्टर, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। सबसे बढ़िया स्टूडेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसे स्टूडेंट। अभी आप और क्या क्या कर रहे हैं? अभी अभी साल कंजूंगा फर्स्ट सिविलियन इंडियन पर्सन, जो मैंने किसी अनदर कंट्री के मिलिट्री के साथ एक्सपीरियंस किया, यानी कोई भी सिविलियन पर्सन को अनदर कंट्री या किसी भी कंट्री के मिलिट्री के साथ एक्सपीडिशन करने का मौका नहीं मिलता, और मैं उसमें एज अ गाइड था, और मैं उस टीम को सक्सेसफुल समिट करके कंजूंगा सात दिन में। और मुझे पहली बार नेपाल के ब्रिगेडियर ने सम्मानित किया, और उसके बाद इंडिया में वेस्टर्न कमांड, अगर आप सर्च करोगे वेस्टर्न कमांड के नबके कंजूरी लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने सम्मानित किया मुझे बिलासपुर में। और बता रहा था ना मैं माउंट एवरेस्ट, देखो बेटा एक एम था इसका कि मैंने ये करना है। ये जब इंटरवर्सिटी भी खेला था रामपुर में, जब हम टीम लेके गए थे, इसने मेहनत किया, मैराथन भी दौड़ता, सब कुछ करता है, क्या डाइटरी हैबिट चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव साथ लिए थे, आज एवरेस्ट है, और बहुत सारी जगह ये मोटिवेशनल स्पीच देता है। 29 तारीख को अवेलेबल नहीं था, तो इसका मोटिवेशनल स्पीच यहाँ पर हमें रखना था। अब हम एक फिक्स कर रहे हैं अक्टूबर 15 या 16 को, जब तुम अवेलेबल होंगे, है ना। और ये हमारा दूसरा स्टूडेंट है पंकज, पंकज ये हमारा एक क्रॉस कंट्री की टीम, एथलेटिक्स की टीम, ये 3 साल लगातार इंटर कॉलेज खेला है, और हमेशा हमें याद रखता है ये। थोड़ा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो खत्म हुआ टीचर डे पे भी भूल जाते हैं ना, टीचर डे पे टीचर को मुझे नहीं याद रखना, जो पुराने टीचर हैं उनको भी याद रखना है, ठीक है। तो हमेशा ऐसी चीजें हमें हमेशा अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मोटिवेशनल है, आपको एक हॉल में हम लेक्चर करवाएंगे, और देखते हैं सारी क्लासेस हमारी होंगी फिक्स ग्रेजुएशन की, 500 बच्चे हमारे हैं, तो 500 बच्चों को हम अच्छे से मैनेज करेंगे, ठीक है। ओके, वन मोर गुड क्लैप।